हंताड़म रमो सीताड़म रमो आयरियाड़म रमो उवझायाड़म तीन भुवन में सार वीत राग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमहु त्रयोग संहारि के। आप सभी को सादर जय जिनेन। जैसा कि आपको विदित है कि आज दोपहर से हमने एक नई कक्षा का आरंभ किया है, जिसमें हम वर्तमान समय में जिस विश्वव्यापी संकट से जूझ रहे हैं, आप और हम जिस महामारी से भयाक्रांत हो रहे हैं, उस महामारी को तो हम दूर नहीं कर सकते, लेकिन उस महामारी के काल में अपने उपयोग को बदलकर देवशास गुरु की भक्ति कर अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं। और हर क्षण इस समय होने वाले आर्त रौद्र के परिणामों को भी रोक सकते हैं। तो इसी श्रृंखला में अभी हम सांत्वनाष्टक, अर्थात जिसका अर्थ है सांत्वनाष्टक, अर्थात जिसमें आठ अष्टक है और प्रत्येक अष्टक में कैसे समता भाव धारण करें यदि कोई विपत्ति का काल आए, कैसे अपने आप को समता दिलाएं यदि कोई संकट का काल आए। तो ऐसे सांत्वनाष्टक नामक पाठ के माध्यम से हम इस कोरोना के समय में अपने आप को शांत रखने का प्रयास करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। आप भी मेरे साथ पढ़ सकते हैं। शांत चित्त हो, निर्विकल्प हो, आत्मन निज में तृप्त रहो, व्याघ्र ना हो, क्षुब्ध ना हो, चिदानंद रस सहज पियो। इन दो पंक्तियों में हमें वो उपाय बताया गया है कि हम कैसे अपने उपयोग को बदलकर अपने आप में तृप्त रह सकते हैं, अपने को प्रति समय इस कोरोना से भिन्न देख सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि भाई हमारी तो समझ में आ ही नहीं रहा। तो भाई बात ऐसी है कि गंभीरता से एक एक शब्द पर विचार करिए। आपको स्वयं अनुभव होगा कि इन दो पंक्तियों में हमारे पंडित जी साहब, आदरणीय बड़े पंडित जी साहब जो अमाइन में विराजते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं हमसे। देखिए, शांत चित्त हो, निर्विकल्प हो। आप वस्तु स्थिति ये है कि हमें डेली के घर के कार्यों को करते करते ऐसी आदत हो गई है कि हम जब शांत बैठते हैं ना, तो भी हमारे मन में विकल्प चलता रहता है कि ये कार्य करना है, ये कार्य करना है। हमने आज तक कभी अपने आप को निर्भर देखने की कोशिश ही नहीं करी, जबकि हम रोज मंदिर जा रहे थे, तो मंदिर में हमारे अनंत परमात्मा हमको यही सिखा रहे हैं। उनकी शांत मुद्रा हमें बार बार यही आदेश दे रही है, यही उपदेश दे रही है कि जगत में कुछ भी करने लायक नहीं है, जगत में कहीं भी देखने लायक नहीं है, जगत में किसी से बोलने लायक नहीं है। अगर देखना है तो शांति से अपने आप को देखने का प्रयास करो। चूंकि अनादि काल से हमने अपने को पर्याय दृष्टि से ही जाना, अनादि काल से हमने अपने आप को इन शरीर संयोगों से ही माना। जब माँ के गर्भ से बाहर आए तो जो हमें इस पर्याय जनित नाम मिला, बस उस नाम को ही अपना मान लिया, और जब तक जीवन जिया, जितनी आयु इस शरीर को मिली, बस उसी नाम को अपना मानते रहे।
जैसे मेरा नाम रुचि है, अगर कोई मुझे सोते से उठाए कि रुचि उठ जाओ तो मैं फटाफट उठ जाऊंगी, लेकिन यदि कोई मुझसे ये कहे कि हे शुद्धात्म उठ जाओ, तो क्या मैं उठूंगी? मुझे ऐसा लगेगा कि किसी और को जगाया जा रहा है। जबकि हमारी जिनवाणी माँ, हमारे निर्ग्रंथ मुनिराज, हमारे वीतरागी देव हमें शुद्धात्मा कहकर बुलाते हैं कि शुद्धात्म है मेरा नाम, पर हम इस नाम को कभी ऐसा समझते हैं किसी और का नाम है। यही कारण है कि हम इस नाम से प्रीति ना करने के कारण शांत चित्त नहीं रह पाते। आज हम 21 दिनों के लिए आप और हम मिलकर ये संकल्प करें कि 21 दिनों, ये समझिए कि 21वें दिन के बाद 22वें दिन हम सबका मरण होने वाला है। ऐसा विचार करिए कि 21 दिन के बाद ये पर्याय छूटने वाली है, ये शरीर को हमें छोड़कर जाना है। अब बताइए, क्या आप एक इन 21 दिनों को इस पर्याय के नाम से जीना पसंद करेंगे? बताइए, क्या आप ये चाहेंगे कि ये 21 दिन आप आर्त रौद्र परिणाम के साथ निकालें? अगर नहीं, तो संकल्प कीजिए कि आज 3 बजे हैं, कल दोपहर के 3 बजे तक हम अपने आप को पर्याय दृष्टि से नहीं देखेंगे। मेरा जो भी नाम है इस पर्याय का, उस पर्याय से नहीं, मैं तो अपने को अकर्ता स्वभावी शुद्धात्मा तत्व देखूंगा। यद्यपि ये थोड़ा मुश्किल आएगा, लेकिन सहज अभ्यास होगा यदि हम चाहेंगे तो। यदि हम दृढ़ संकल्पित होंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ सहज ज्ञाता रहना है। घर में कोई ऐसा नहीं होगा, किसी के भी घर में, जो आपको ये कहे कि आप तुम तो भगवान आत्मा हो, तुम तो प्रभु हो, तुम तो बने बनाए भगवान हो। बताइए, क्या किसी के घर में किसी का ऐसा नाम लिया जाता है? नहीं। क्यों? क्योंकि सबको पर्याय दृष्टि से देखने की आदत पड़ी है संसार में। कोई नहीं बताएगा आपको, आप स्वयं अपने आप को चैतन्य देखें तो आपको विश्वास होगा कि ये कोरोना आप में नहीं आएगा, ये कोरोना आपको छू भी नहीं पाएगा, ये कोरोना आपसे दूर से ही भाग जाएगा। अगर सच में हमें इस महामारी से भय लग रहा है, तो अपने परिणाम सुधारिए, अपने इस भाव को सुधारिए। जो भूल अनादि से हम करते आ रहे हैं, उस भूल को सुधारिए। अरे, एक यही तो जैन धर्म है जो अकर्तावादी है, एक यही जैन धर्म है तो जो हर अपराधी को सजा ना देकर अपनी शरण में बुला लेता है। तभी तो सिद्ध पूजन की जयमाला में लिखा है, शरण जो अपराधी को दे, अरे अपराधी वह भगवान। कि अनादि काल से भले ही हमने अपने आप को पर्याय में से देखा, पर जिनेन्द्र भगवान कहते हैं कि तुम अपने शुद्धात्मा की शरण ग्रहण करो, अरे तुम तो सुख स्वयं बने बनाए भगवान हो। तो आप सब भी ये संकल्प कीजिए कि आज दोपहर 3 बजे से कल दोपहर के 3 बजे तक आप सभी अपने आप को इस नाम से नहीं देखेंगे, आप सभी अपने आप को शुद्धात्मा देखेंगे। और मैं यकीन से ये बात विश्वास से कह सकती हूँ कि जब आप अपने को चैतन्यमयी ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा देखेंगे, तो आप पूरे दिन, आज इन 24 घंटों में एक बार भी कोरोना के भय से भयंकर नहीं होंगे। आपका जीवन सहज रहेगा, व्यवहार में सब आपको आपके नाम से बुलाएंगे, बुलाने दो, लेकिन उनके बुलाने के समय आप भेद ज्ञान करें, अरे ये तो इस पर्याय को बुला रहे हैं, मैं तो सहज चैतन्य हूँ। कार्य करते समय भी अपने आप को भगवान आत्मा देखें कि अहो, ये कार्य स्वयं हो रहा है, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य स्वाधीन है, स्वतंत्र है। इसमें आगे वो आएगी बात अगले ही लाइन में कि स्वयं स्वयं में सर्व वस्तु में सदा परिणमित होती है, कि स्वयं से हो रही है। क्रमबद्ध का सिद्धांत ही ऐसा है कि हम किसी वस्तु का कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो करने वाला है वो मैं हूं नहीं और मैं कुछ कर सकता नहीं। एक बात और सदैव स्मरण में रखिए कि जैनी सो भयभीत नहीं और भयभीत सो जैनी नहीं। जैन दर्शन में कहीं भी भयभीत होने की कोई व्यवस्था ही नहीं है, क्योंकि जैन दर्शन के पन्ने पन्ने पर, जिनवाणी माने पन्ने पन्ने पर, हमें किसी भी शास्त्र के भी पन्ने पर आप देखो, हमें सुखी होने का उपाय बताया है, भयंकर होने का उपाय कहीं लिखा ही नहीं। तो हम भयभीत क्यों हो? यहाँ ये बात कहते हैं, विद्या
ध्यान दे अपन पाठ के ऊपर कि शांत चित्त हो, निर्विकल्प हो, आत्मन निज में तृप्त रहो, व्यग्र न हो, शुभ्ध न हो, सिदानंद रस सहज पियो। यहाँ आदरणीय पंडित जी साहब हम सबको ये आदेश दे रहे हैं कि इस कोरोना के काल में भयभीत मत हो, शांत चित्त रहो, निर्विकल्प रहो। अब आप कहोगे निर्विकल्प तो हम रह ही नहीं सकते, विकल्प तो आते हैं। अरे विकल्प आएंगे, लेकिन विकल्प के काल में भी आप अपने को सहज ज्ञाता देखने का अभ्यास तो कर सकते हैं। अरे जिस भूमिका में है उस भूमिका योग्य कार्य तो कर सकते हैं। कहते हैं ना, गुरुजनों के आदेश की कभी अवमानना नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पंडित साहब हमें आदेश कर रहे हैं कि शांत चित्त रहो, निर्विकल्प रहो और निज में तृप्त रहो। निज में तृप्त कैसे रहे कि अकर्ता स्वभाव ही भगवान आत्मा का लक्ष्य लेकर जानते देखते रहे। करने का विकल्प मिथ्या है। आज से लेकर, अनादि से लेकर आज तक हमने कभी कोई कार्य किया ही नहीं। संसार के जो भी कार्य हो रहे हैं सब अपने अपने सहज प्रणमन से हो रहे हैं। सच पूछो तो संसार में हमारे कुछ करने लायक है ही नहीं। अरे हम करने वाले होते कौन है? यदि करने वाले होते तो तीर्थंकर भगवान को देखो कि जब आदिनाथ भगवान का संभव शरण लगा तो भगवान ने बताया कि उन्हीं का पौत्र मारीची 24वां तीर्थंकर होगा, और मारीची को यह बात हजम नहीं हुई। और यद्यपि हुआ क्या कि भगवान की वाणी कभी मिथ्या नहीं होती, हुआ वो 24वां ही तीर्थंकर, परंतु उसने भगवान की बात नहीं मानी और अन्य मतांतरों को आगे फैलाया। अब जब आप ये बताइए, जब तीर्थंकर जैसा निमित्त मिला, तीर्थंकर भगवान स्वयं अपने पौत्र को नहीं समझा सके, कुछ कर नहीं सके, तो हम और आप क्या हैं? हम और आप कैसे वस्तु व्यवस्था में परिवर्तन कर कुछ कर सकते हैं? अरे ये तो सहज रहने का मार्ग है। और मैं आपको बताऊं, प्रथमा नियुक्त से विचार करें, सतियों पर इतने इतने उपसर्ग आए, चाहे आप चंदन वाला को ले लीजिए, चाहे अनंत मती को ले लीजिए, चाहे मैना सुंदरी को ले लीजिए, और चाहे हमारी शील शिरोमणि सीता जी को ले लीजिए। आप किसी के भी जीवन चरित्र को उठाकर देखिए, किसी के भी जीवन को पढ़कर देखिए, ऐसे ऐसी विपदाएं आई जो आज लौकिक में हम पर नहीं आ रही हैं। हम ऐसे माहौल में नहीं रह रहे हैं, ऐसे हमें किसी ने जंगल में नहीं छोड़ा, हम ऐसे किसी गलत हाथों में नहीं बेचे गए। सतियों पर तो ऐसे ऐसे उपसर्ग आए, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी समता को नहीं छोड़ा, अपने शील को नहीं छोड़ा। जहां भी रही अपने को सहज अकर्तत्व देखा, सहज ज्ञान स्वभाव ही देखा। हाँ आप कुछ पूछना चाह रही हैं स्वयं जी? आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो। स्वयं जी आपको मेरी आवाज आ रही है? अगर किसी को कुछ पूछना भी है। हाँ स्वीटी, अरे गुल्लू वहां जाते ही क्यों बंद हो जाता है? क्या आप मुझे ग्रुप में भी अपना मैसेज अलग से भेज सकती हैं? चलिए यहाँ आते हैं कि अदिति जी आप अपना इसको मोड कीजिए। चलिए आगे आते हैं कि स्वयं स्वयं में सर्व वस्तुएं सदा परिणमित होती हैं, इष्ट अनिष्ट न कोई जग में, व्यर्थ कल्पना झूठी है। धीर वीर हो, मोह भाव तज आत्म अनुभव किया करो, व्यग्र न हो, शुद्ध न हो, चिदानंद रस सहज पियो। देखिए इस पहले अष्टक में क्या बात आई है कि
इसमें हमारी सारी परेशानियों का समाधान आया है, इसमें हमारी सारी मिथ्या भ्रांतियों को दूर करने का उपाय आया है। कि कैसे, कि हमें आज तक ये लग रहा था कि यदि हम घर के कार्य नहीं करेंगे तो कौन करेगा, यदि हम जॉब नहीं करेंगे तो घर कैसे चलेगा, यदि हम बच्चों का ध्यान नहीं रखेंगे तो इनमें संस्कार कैसे आएंगे, इत्यादि इत्यादि हमारी कर्तव्य की मान्यताएं प्रति समय चलती रहती हैं। तो पंडित जी ने यहाँ हमारी कर्तव्य की मान्यता का निराकरण करते हुए बताया है कि जिनागम में एक क्रमबद्ध का सिद्धांत है। कि जो क्रमबद्ध का सिद्धांत क्या है, कि जो वस्तु जिस समय जिस काल में जिस हिसाब से जब होनी है वो तभी होगी, उसे बदलने में इंद्र, अहिमेंद्र, नरेंद्र, देवेंद्र कोई भी समर्थ नहीं है। मतलब क्या, कि जिनेंद्र भगवान ने एक शाश्वत सिद्धांत दिया कि जो होगा जब होगा जिस विधि से होगा वो भगवान के ज्ञान में निर्णय। क्या आज से 2-3 महीने पहले हमने और आपने विचार किया था कि ऐसे कोई महामारी के संकट से हमको निकलना पड़ेगा? नहीं। लेकिन सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में तो ये कितने समय पहले ही आ गया कि इस पंचम काल में इस समय ऐसी ऐसी महामारी आएगी। लेकिन क्या कोई बदल सकता है इस महामारी को? नहीं। हम बदल सकते हैं तो क्या, अपने उपयोग को। हम रह सकते हैं तो कैसे, इस काल में भी शांति से, समता से। कि कैसे रहे, कि ये विचार करते हुए कि इस महामारी को इस काल में इसी समय इसी टाइम पर आना था और वो आई, तो अब हम ऐसी महामारी के काल में क्या करें? कि अब हम क्या करें कि अब हमारा कर्तव्य ये है कि अब हम इस महामारी के काल में भी शांति और समता धारण करें। कि वो शांति और समता कैसे आएगी, कि वो शांति और समता ये विचार करने पर आएगी कि स्वयं स्वयं में सर्व वस्तुएं सदा परिणमित होती हैं, इष्ट अनिष्ट न कोई जग में व्यर्थ कल्पना छूती है। कि इस संसार में ना तो कोई इष्ट है और ना कोई अनिष्ट है। जिन्हें हम इष्ट मानते हैं वो भी अपने स्वार्थ से, और जिन्हें हम अनिष्ट मानते हैं वो भी अपने स्वार्थ से। बाकी जगत में ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है। आज गर्मी के समय में यही पंखा इष्ट लगता है और सर्दी के समय में यही पंखा हमें अनिष्ट लगता है। अब बताइए इष्ट अनिष्ट क्या है, मान्यता या पंखा? हमारे तीर्थंकर मुंदाज गर्मी के समय में पहाड़ की शिलाओं पर जाके ध्यान करते हैं और सर्दी के समय में सागर के किनारे जाकर ध्यान लगाते हैं। क्यों, उनको भी तो इष्ट अनिष्ट होना चाहिए, पर नहीं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि ना तो गर्मी के समय में शिला अनिष्ट है और ना सर्दी के समय में सागर के किनारा अनिष्ट। ये इष्ट और अनिष्ट हमारी मान्यता में है। अभी हमें लग रहा है कि कोरोना के कारण पूरे विश्व में अनिष्ट काल चल रहा है, परंतु ऐसा नहीं है। इस समय भी जो ज्ञानी जीव अपने शुद्धात्म स्वभाव को देख रहे हैं, इस समय जो ज्ञानी जीव अपने आत्म स्वभाव में दृढ़ है, इस समय जिन ज्ञानी जीवों की देवशास्त्र गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा है, भक्ति है, विनय है, समर्पण है, वो आज इस महामारी के काल में भी अपने आप को शांति से वेदन कर रहे हैं। उन्हें ना तो ये महामारी इष्ट है और ना अनिष्ट है। इसीलिए कहते हैं कि जग में कभी भी कोई भी वस्तु ना इष्टकारी है और ना अनिष्टकारी है, क्योंकि सब वस्तुएं सहज स्वाधीन पने से परिणाम करती है। इसलिए अब हमें क्या करना चाहिए, कि हमें भी चाहिए कि हम धीर वीर होकर, धैर्यवान होकर, मजबूत होकर वीरता का बल लाकर इस मोह भाव को जीतें और अपने आप को ज्ञान स्वभावी परमात्मा देखें। एक बात और ध्यान रखिए, यदि इस संसार का अभाव करना है, यदि वापस से इस स्त्री पर्याय का अभाव करना है, यदि सच में संसार में दुख भाषित हो रहा हो, तो अपने आप को ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा देखने के अलावा
सुखी होने का कोई और उपाय नहीं है। इस संसार से जितने भी जीव तिरे हैं वो एक शुद्धात्म तत्व के बल पर ही तिरे हैं। जितने भी जीव आज संसार में भटक रहे हैं वो भी अपने आप को शुद्धात्म स्वभावी अनुभव किए बिना ही भटक रहे हैं। इसलिए समय सार के निर्जरा अधिकार का एक कलश है भेद विज्ञान का सिद्धा सिद्धा ये किलकेचना। अर्थात आज तक जितने भी जीव सिद्ध हुए हैं वो भेद विज्ञान से हुए हैं और जितने भी जीव संसार में भटक रहे हैं वो भेद विज्ञान के अभाव में भटक रहे हैं। इसलिए हम सभी का भी कर्तव्य है कि इस विपरीत काल में भी अपने भेद विज्ञान को पुष्ट करें। जैसे रोगी के लिए दवाई आवश्यक है, भूखे के लिए भोजन जरूरी है, ऐसे ही साधर्मी के लिए स्वाध्याय जरूरी है, भेद ज्ञान जरूरी है। जिनेन्द्र देव हमारे वैद्य हैं और हम कौन है कि हम रोगी हैं, तो अब हमारी औषधि क्या है कि जिन वचन हमारी औषधि है। आप सभी प्रतिदिन जब तक हम इस महामारी के काल से बाहर नहीं निकल जाते, प्रतिदिन कम से कम 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट इस भेद विज्ञान का अभ्यास करें। आप देखेंगे कि आपका ये 15 मिनट का भेद विज्ञान का अभ्यास आपको पूरे दिन शांत रखेगा। आपके मन में कोई दुर्विचार नहीं आएगा, कैसी भी आपको आकुलता व्याकुलता व्यग्रता नहीं होगी, आपके परिणामों में शोभ नहीं आएगा, आप प्रसन्न रहेंगे। और ये प्रसन्नता का इससे बड़ा उपाय और कोई भी नहीं है। जिनेन्द्र भगवान द्वारा बताया गया, निर्ग्रंथ मुंडाजों द्वारा समझाया गया, ये जिन धर्म ही हम सबको शरण भूत है। जयचंद जी छावड़ा अशरण भावना लिखते समय ये बात कहते हैं कि शुद्धात्म अरु पंच गुरु जग में शरणा दोए, मोह उदय जी के वृथा आन कल्पना हुए। कि यदि इस जीव को संसार में शरण भूत कोई है तो निश्चय से अपना शुद्धात्मा और व्यवहार से पंच परमेष्ठी, और जो जीव इन पंच परमेष्ठी भगवान की शरण लेता है उसका कल्याण अवश्य ही अवश्य होता है। अतः यदि हम चाहते हैं कि हम इस दुष्म काल से बाहर निकलें, कि हम इस दुष्म परिस्थिति को जल्दी से जल्दी छोड़ें, तो हमें भी इस कार्य को करना होगा। हमें भी वीतरागी भगवान के बताए गए मार्ग पर चलना होगा और उसी प्रकार जैसे चलना होगा जिस प्रकार हमारे निर्ग्रंथ मुंडाज हमारे ज्ञानी जन चल रहे हैं। हमें आज मैं आपसे एक बात और विषय से अलग कहना चाहती हूँ। आप सभी को ये बात भासित होती है कि आज जो महामारी है वो हमारे ही परिणामों का फल है। ये लग रहा है किसी को कि आज हमें ये तो लग रहा है कि चीन वालों की तरफ से ये वायरस हमारे देश में आया है, पर मैं आपसे पूछती हूँ क्या इस वायरस को अपने हिंदुस्तान में पनपने में हम जिम्मेदार नहीं है? बताइए हम में से कितने जीव हैं जिन्होंने अन्याय नहीं किया, अनीति नहीं छोड़ी, अभक्ष भक्षण नहीं छोड़ा, रात्रि भोजन का त्याग नहीं किया? अरे हम भी तो ये हमारे ऐसे कलुष परिणाम ही तो इस महामारी का कारण है। यदि हमने संयम की साधना की होती, यदि हमने सच में श्रावक के निर्दोष व्रतों का पालन किया होता तो आज हम इस महामारी से ग्रसित नहीं होते। भगवान तो बार बार हमें समझा रहे हैं, ज्ञानी जन हमें बार बार चेतने को कह रहे हैं कि देखो देखो ये जीव की विराधना का फल। आज जिस कोरोना वायरस से हम और आप सब डर रहे हैं कि कोरोना वायरस क्या है, कि हमने पूर्व में ना जाने कैसे कैसे परिणाम करके देवशास गुरु की विराधना की, ज्ञानी जीवों की विराधना की, एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय जीवों की विराधना की, आज जो विराधना का सारा कर्म एक साथ हमारे उदय में आया तो हम डरने लगे। इसलिए सदैव याद रखिए, भूल से भी हमसे देवशास गुरु का वर्णवाद ना हो पाए, भूल से भी हमसे किसी जीव की विराधना होना हो पाए,
समय सार जी की पहली गाथा हमें बताती है कि अपने को और समस्त जीवों को सिद्ध के समान देखो। उसमें आचार्य लिखते हैं कि वंदितु सव सिद्धे ध्रुव मचल मणोगम गदिम पत्ते बोक्षामी समय पावड़ मणिमो शुद्ध केवली भरदम। अर्थात मैं अपने में और समस्त जीवों में सिद्धत्व की स्थापना करता हूँ। अपने को भी अगर आप ज्ञान स्वभावी देख रहे हो तो आपके घर में चलने वाले छोटे छोटे कीड़े मकोड़े मच्छर मक्खी इनको भी भगवान आत्मा देखो, इनकी भी भूल से विराधना ना हो जाए। हमारे हमारे मुंह से कोई दुर्वचन ना निकल जाए, हमारे चलने से किसी जीव का विराधन ना हो जाए। हर श्रावक के अगर 12 व्रतों को हम निर्दोष पालन करें तो आप देखिए हम कैसे ये महामारी यहाँ टिक सकती है। हमने अपने कर्तव्यों को ठीक से पालन नहीं किया, हमने सदैव अपने कर्तव्यों में दोष लगाए तो ये महामारी को तो आना ही था। अब इसके आने पर हम दुखी क्यों हो रहे हैं? तो आज से संकल्प लें कि हम श्रावक का एक निर्दोष जीवन जीने का भरपूर प्रयास करेंगे। हम अवक्ष भक्षण नहीं करेंगे, हम अमर्यादित भोजन का प्रयोग नहीं करेंगे, हम पानी को विवेक पूर्वक छानेंगे, हम प्रयास करेंगे कि हम मर्यादित वचन बोलें, हम ऐसे दुष्वचन ना बोलें जिससे किसी को क्षोभ उत्पन्न हो जाए, किसी का दिल दुख जाए, किसी की कषाय उत्पन्न हो जाए। ऐसे छोटे छोटे संकल्प लेकर हम अपने मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ेंगे। और जब तक हम इन चीजों को नहीं समझेंगे, जब तक हम इनमें इन व्रतों में दोष लगाएंगे, सच पूछिए हम मोक्ष मार्ग के पात्र भी नहीं है। मोक्ष मार्ग तो बहुत दूर की बात है। विचार करिए, जब हम स्वयं अपने को जीव देखते हैं, अगर हमारे जरा सा हाथ में कहीं कट जाता है, कहीं लग जाती है, कहीं चोट आ जाती है, तो हम कितना तड़प जाते हैं। और चींटी, चलते हुए चींटी के ऊपर आप पैर रख दोगे या आप ऊपर की तरफ चलकर चलते हुए जाओगे और चींटी की विराधना हो जाए तो आपको लगता है पता ही नहीं कैसे लग गई, कैसे हो गया। और कोई हाथी आपके ऊपर पैर रख दे तो जैसे हाथी के पैर से आपको डर लगे, वैसे चींटी को आपसे डर लगता है, आप उसके लिए हाथी के समान हो। इसलिए प्रयास करिए कि हम अपने को और सब जीवों को सिद्ध के समान देखें, चाहे छोटा सा बच्चा हो या वृद्ध जन हो, सब भगवान आत्मा है, सब मोक्ष के यहाँ मोक्ष मार्ग पाने के लिए आए हैं। इस तरह की भावनाएं तीर्थंकर भी भाते हैं जो हम भा रहे हैं। यही तो तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण है कि जगत में सब जीवों को अपने समान देखना, कि सब प्रसन्न रहें, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब मोक्ष मार्ग में लगे, सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, ऐसी भावनाएं तो तीर्थंकर भगवान भाते हैं। यदि हम भी चाहते हैं कि हम तीर्थंकर के समान मोक्ष मार्ग को पाएं, तो हमें भी नित्य ऐसी भावनाएं भानी चाहिए। मेरी भावना का पाठ करना चाहिए, आलोचना का पाठ करना चाहिए, अपने दोषों की बारंबार निंदा ग्रहा करना चाहिए और जिनेन्द्र भगवान के बताए हुए वचनों पर श्रद्धा पूर्वक विचार करना चाहिए कि अगर मेरा हित होगा तो एकमात्र जिनेन्द्र भगवान के वचनों से ही होगा। जगत में अन्य कोई भी मेरा हित करने में ऐसी दृढ़ता होनी चाहिए, तब जाके हम मोक्ष मार्ग के पात्र बनेंगे, तब जाके हम इस महामारी के संकट से बाहर निकलेंगे। अन्यथा डरते डरते आत्मरौद्र प्रणाम करके हम भी नरक गति में चले जाएंगे, त्रियंच गति में चले जाएंगे। यदि आज के लिए इतना ही विषय रखते हैं, यदि किसी को मेरी बात थोड़े से कठोर वचन लगे हो तो उसके लिए क्षमा याचना है। और आप में से किसी को कुछ भी अगर इस संबंध में शंका हो, कुछ और विषय जानने की इच्छा हो तो आप ग्रुप में मुझे या पर्सनल में मैसेज करके मुझसे बात कर सकते हैं। और आज अपन इसका पहला अष्टक ही रखते हैं कि धीर वीर हो मोह भाव तज आत्म अनुभव किया करो। आप इस इन तीनों लाइनों पर विचार कीजिएगा जरूर समय निकालकर, और भेद विज्ञान का जरूर अभ्यास करिए, और आपका जो भी अनुभव रहे वो आप मेरे साथ साझा कर सकते हैं।
और कोरोना वायरस से बिल्कुल मत डरिए। प्रतिदिन घर में आधा घंटे जिनेंद्र भगवान की भक्ति करिए, आलोचना पाठ मेरी भावना का पाठ करिए, और भी जो आपको इष्ट हो ऐसे पाठों के माध्यम से वीतरागी भगवान से जुड़िए और प्रसन्न रहिए। आपका और हमारा भविष्य केवली भगवान के ज्ञान में है, जो जिनेंद्र भगवान के चरणों में रहकर अपना जीवन समर्पित करता है उसकी मुझे। चलिए आज की क्लास को यही विराम देते हैं। आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय जिनेंद्र। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। नौवा ओंकार मंत्र का जाप करिए। बोलिए द्वादशांग मई जिनवाणी माता की जय हो, निर्ग्रंथ मुनिराजों की जय हो, अहिंसा मई जैन धर्म की जय हो। जय जिनेंद्र। कौन कौन और मंडल में से।